जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत ग्रीन सिटी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 दिन पूर्व हुई करीब 9 लाख की चोरी के आरोप में एक युवक एवं एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ASP ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन सिटी निवासी डॉक्टर प्रतिभा पटेल 8 मई को BED का एग्जाम देने के लिए सतना गई थी और उनके घर पर ताला लगा था। 24 मई को सुबह उनके पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और संभवतः उनके घर पर चोरी हुई है, जिसके बाद तत्काल टीम गठित कर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घर मालिक डॉक्टर प्रतिभा पटेल ने पुलिस को बताया था कि उनकी अलमारी में सोने चांदी के गहने रखे हुए थे, जिनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। पुलिस ने जब वारदात की पड़ताल शुरू की तो घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे में वारदात के समय एक युवक और नाबालिग उस क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब तस्वीरों के आधार पर पड़ताल की तो कैमरे में नजर आए युवक की पहचान 26 वर्षीय शकील खान के रूप में हुई, जो पहले खजीर खिरिया बाईपास से लगे एक गांव में रहता था, लेकिन कुछ महीनों से सगड़ा क्रेसर बस्ती में रह रहा था। पुलिस ने शकील का पता लगाते हुए उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए हुए जेवर बरामद कर लिए हैं। वहीं आरोपी शकील एवं नाबालिग को जेल भेज दिया है। ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा सोने चांदी के आभूषण, ये पकड़ाया है, एक सोने घर में चोरी हुई थी 20 तारीख को। वो बाहर गए हुए थे, जब वो आए तो पता चला कि उनके घर पे नकबजनी हो गई है। और थाना माड़ोताल में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये चोर जो निकला ये शकील नाम का था और इसके साथ एक अपचारी बालक था। चोर सिर्फ जबलपुर में ही चोरी नहीं करता, भोपाल में भी उसने चोरी की हुई है, उसके भोपाल में भी लिंक है। और अभी ये वर्तमान में तिलवारा में रहता है और इसके पास से ये बहुत सारा सामान मिला है, करीबन 23.5 तोले सोना है ये, इसकी आज की कीमत जो है 13 लाख रुपए है। और चांदी का भी सामान मिला है। इसने ताला जो है अपने रॉड से तोड़ा था, वो रॉड भी जब्त की गई है। और ये फिर से जो है वहाँ चोरी करने की लिए रैकी कर रहा था, तभी पकड़ाया है ये। और इसकी एक खासियत है कि इसकी कमर में एक पट्टा बंधा हुआ है, जो जिस पुलिस ने जो पहचान की है, इसकी कमर में चोट है जो कि वो पट्टा बांधता है, तो उससे पता चला कि यही चोर है, क्योंकि आसपास देखा गया था। किस तरह चोरी का इल्ज़ाम चोर ज़्यादातर सामान्यतः ये करते हैं कि अपनी रैकी कराते हैं, रैकी वो इस रूप में कराते हैं कि इस घर में ये घर बहुत दिनों से बंद है। हर चोर के अपने अपने तरीके हैं रैकी कराने के और ये पता करने के कि वो घर कई दिनों से बंद है। तो जब इसने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ का मालिक चला गया है तो बहुत आसानी से चोरी हो जाती है, क्योंकि तो आजकल कोई अगल बगल में ध्यान देता नहीं है। सर, पूछताछ में इसने कितनी चोरियाँ कबूल करना? अभी एक भोपाल की है, अयोध्या नगर की चोरी है पुरानी, और अभी और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या यहाँ की भी और चोरियाँ इसके द्वारा की गई हैं।